अब आप लोग भले ही मुझे बायस्ड बोलो, कोई बात नहीं, पर संदीप भैया वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मेरा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आप लोग किसी वेब सीरीज का सिर्फ पहला एपिसोड देखकर ही तालियां बजाने पे मजबूर हो जाओ तो समझ जाओ कि वो वेब सीरीज टीवीएफ की है। तो वेलकम बैक टू सिने एक्सप्लोरर, और आज के इस वीडियो में बात करेंगे संदीप भैया वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि आज हो चुका है टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली रिलीज। अब देखो, इसके फर्स्ट एपिसोड में स्पॉइलर देने जैसा तो कुछ भी नहीं है, तो फिकर नॉट। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर संदीप भैया अभी भी अपने फेलियर से ऊपर नहीं आ पाए हैं। यूपीएससी क्लियर ना करना मानो उनके लिए एक बुरे सपने की तरह हो गया है। और अगर आपको एस्पिरेंट्स याद हो तो आपको ये भी पता होगा कि संदीप भैया उन स्टूडेंट्स में से थे जिनके पास में यूपीएससी क्लियर करने के अलावा और कोई बैकअप नहीं था, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी चल रही होती है। और सिर्फ इस तकलीफ से अपना ध्यान हटाने के लिए वो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक कर लेते हैं, और जब एक दिन वो खुद को अपनी नजरों में पूरी तरह फेलियर मान चुके होते हैं और खुद ही अपनी नजरों में एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाते हैं, तब एक इंसान उन्हें एहसास दिलाता है कि बिल्कुल यूपीएससी के एग्जाम्स की तरह हमारी लाइफ में भी हमें कभी भी सिर्फ एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना चाहिए। सवाल समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसे छोड़ के अगले सवाल पे फोकस करो। और यही इस पूरे एपिसोड का मैसेज भी है। अब इस बात का एहसास उन्हें कौन दिलाता है ये मैं नहीं बताने वाला, ये आपके लिए सरप्राइज है। और एपिसोड के लास्ट में है आपके लिए एक ट्विस्ट, जिसे देख के आप भी इसके सेकंड एपिसोड के लिए वेट नहीं कर पाओगे। और अब यहाँ पर सबसे ज्यादा तारीफ करनी बनती है सनी हिंदुजा की परफॉर्मेंस की। जिस तरह से उन्होंने एक हारे हुए यूपीएससी एस्पिरेंट का कैरेक्टर प्ले किया है, हम सीरीज में दिखाई गई इनकी हर एक सिचुएशन से पूरी तरह रिलेट करते हैं कि जब एक इंसान का सपना पूरा नहीं हो पाता, इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो कितनी तकलीफ होती है। तो भाई, सनी हिंदुजा की एक्टिंग ने ना दिल जीत लिया। तो आजकल जहां हर दो दिन में एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज होती है जिसे देखने का ना तो कोई सेंस बनता है और ना ही वो एंटरटेनिंग होती है, अगर आप भी सचमुच कुछ बढ़िया देखना चाहते हो तो संदीप भैया का पहला एपिसोड मिस मत करना। अभी सीरीज में शायद मेरे ख्याल से 5 या 6 एपिसोड्स होंगे जो शायद 2-4 दिन के गैप से रिलीज हो गए, तो इस सीरीज का पूरा रिव्यू मैं इसके सारे एपिसोड्स के रिलीज होने के बाद ही करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसका फर्स्ट एपिसोड देखो, और आपको कैसा लगा मेरे साथ अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगा, बस जाकर ये एपिसोड देख लो, आपको मजा आना चाहिए। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।